सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोको की तरफ से लॉन्च होने वाले नए स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों, पोको F4 5G के लॉन्चिंग को लेकर इंडिया में बहुत दिनों से काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे थे। अब फाइनली पोको इसके इंडिया लॉन्चिंग को लेकर टीज करना स्टार्ट कर चुकी है। दो दिनों पहले ही फ्लिपकार्ट के ऊपर इसका लैंडिंग पेज आ गया है। आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पोको F4 5G से जुड़ी सारी जानकारी देने वाला हूं। क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे, क्या कुछ यहां पे फीचर्स देखने को मिलेगा, किस प्राइस पे इसे इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है एंड कब लॉन्च किया जाएगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो गाइज, वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू कीजिएगा। सो हाय गाइज, मैं हूँ अविनाश। टेक अवे के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फोन के डिजाइन के बारे में। तो गाइज, कुछ दिनों पहले ही पोको F4 5G के इंडियन वेरिएंट का लाइव इमेज हमारे सामने निकल के आए थे। आपके स्क्रीन पे दे रहा हूँ, देख सकते हैं। डिजाइन और लुक्स वाइज ये फोन कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। रेडमी K40S जो चाइना में लॉन्च हुआ था, उसका ही ये फोन रिब्रांडेड वर्जन होगा। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ चीज़ें चेंज देखने को मिलेगी। बॉक्स टाइप डिजाइन होगा, फ्लैट एजेज के साथ आएगा, पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिलेगा, फ्रेम भी प्लास्टिक का ही होगा और फ्रंट की तरफ यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल फोन काफ़ी गुड लुकिंग होगा, डिजाइन और लुक्स वाइज आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे आपको 6.67 इंच का FHD+ सैमसंग का E4 AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश एंड 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पे 1300 निट्स का पिक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगा और HDR10+ का भी सर्टिफिकेशन होगा। सामने की तरफ यहाँ पे 20 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा एंड पीछे की साइड यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे। लीक्स ऐसे निकल के आ रहे हैं कि यहाँ पे 64 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जबकि चाइना में जब रेडमी K40S लॉन्च हुआ था तो वहाँ पे 48 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिला था। यहाँ पे दोस्तों, मेन सेंसर 64 MP के देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि OIS का सपोर्ट भी होगा। सेकेंड सेंसर जो होगा वो यहाँ पे 8 MP के देखने को मिलेंगे, जो कि एक अल्ट्रा वाइड सेंसर होंगे। एंड तीसरे सेंसर के बारे में बात करें तो ये 2 MP के देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक माइक्रो सेंसर होगा। गाइस, यहाँ पे कहा जा रहा है 4500 mAh की एक डिसेंट बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ आएगा और यहाँ पे 67 W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। लीक्स ऐसे निकल के आ रहे हैं कि यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। रेडमी K40S में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिला था, हो सकता है यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक के सपोर्ट देखने को मिल जाए। यहाँ पे दोस्तों, आपको स्टीरियो स्पीकर भी देखने को मिल जाएंगे। 3.5 mm जैक एंड SD कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हैप्टिक के लिए एक्स एक्सिस लैनर मोटर देखने को मिल जाएगा। हैवी यूसेज के दौरान या फिर गेमिंग करते वक्त फोन गर्म ना हो, इसके लिए यहाँ पे वाइपर कूलिंग चैम्बर भी लगा होगा। साथ में दोस्तों, रेडमी पोको सोमी की जो पहचान है उसका IR ब्लास्टर, वो चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉयड 12 के ऊपर आएगा एंड MIUI 13 के ऊपर रन करेगा। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon 870 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि Qualcomm का एक फ्लैगशिप चिपसेट है एंड बहुत ही पावरफुल चिपसेट है। 7 nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है एंड 3.2 GHz की क्लॉक स्पीड पे रन करता है। यहाँ पे दोस्तों, आपको LPDDR4X के रैम देखने को मिल जाएंगे एंड UFS 3.1 के स्टोरेज टाइप होंगे। तो गाइस, यही थे इस फोन के सभी स्पेसिफिकेशन। अब दोस्तों, अगर बात करते हैं इस फोन की प्राइसिंग के बारे में, तो गाइस लीक्स ऐसे निकल के आ रहे हैं कि 8GB 128GB एंड 12GB 256GB के सिर्फ और सिर्फ 2 मॉडल में इसे इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है जो बेस मॉडल होगा 8GB 128GB, इसकी प्राइस इंडिया में 27 या फिर 28,000 रखी जा सकती है। ऐसा कहने का रीजन ये है कि पोको जब भी इंडिया में आती है बहुत एग्रेसिव प्राइस के साथ आती है और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी भी प्राइस काफ़ी एग्रेसिव रखी जाएगी। अब दोस्तों, अगर बात करते हैं इस फोन के इंडिया लॉन्चिंग के बारे में, तो गाइस इस फोन के इंडिया लॉन्चिंग को लेकर अभी तक पोको ने कोई भी डेट अनाउंस नहीं किए हैं, लेकिन हाँ, लीक्स वगैरह सामने निकल के आ रहे हैं। कहा जा रहा है ये स्मार्टफोन इसी महीने के तीसरे हफ्ते से पहले इंडिया में लॉन्च होता देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा हुआ है, तो सारी चीजें बहुत जल्दी हमें पता चल जाएगी। तो गाइज, बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आती है डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस तरह का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।